हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल मैनेजमेंट के फंक्शंस की। देखिए, पर्सनल मैनेजमेंट ऑलरेडी मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया है पर्सनल मैनेजमेंट का, तो आपने अगर वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वीडियोस देख लीजिए। तो आज हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। फंक्शंस क्या होते हैं, कौन से ऐसे फंक्शन होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सनल मैनेजर को करना पड़ता है, और या फिर आप कह सकते हो जो पर्सनल मैनेजमेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, उसको क्या कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जो उसको मतलब निभाने पड़ते हैं या करने पड़ते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। द फंक्शंस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट क्या मे बी क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरीज। तो बेसिकली हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका हो गया मैनेजरियल फंक्शन और दूसरा आपका हो गया ऑपरेटिव फंक्शन। तो वो सारे फंक्शंस जो मैनेजमेंट नेचर के होते हैं, ओके, वो सारे फंक्शंस आपके मैनेजरियल फंक्शंस बोले जाएंगे। और ऑपरेटिव फंक्शन क्या होते हैं, ऑपरेटिव फंक्शन जो होते हैं आपके जो डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं, ओके, जो भी फंक्शन होंगे जो डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड होंगे, या फिर आप कह सकते हो फंक्शनल इन नेचर होंगे, ओके, या ऑपरेशनल होंगे। देखिए, ये सारे टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। ऑपरेशनल फंक्शंस हो गए आपके, फंक्शनल फंक्शंस हो गए, डे टू डे फंक्शन वाले फंक्शन हो गए, तो वो सारे फंक्शंस आपके ऑपरेटिव फंक्शन होंगे, और मैनेजेरियल फंक्शन आपके होंगे जो मैनेजमेंट के एक्टिविटीज से रिलेटेड होंगे। तो ये दो तरीके के फंक्शन होते हैं जो किसी भी पर्सनल मैनेजर को आपके ऑर्गेनाइजेशन में करना पड़ता है, जो फंक्शंस उसको निभाने पड़ते हैं, जो फंक्शंस को फुलफिल करना होता है। तो ये सारे हो गए आपके फंक्शंस, टाइप ऑफ फंक्शन हो गए। चलिए बात करते हैं अब हम डिटेल में कि मैनेजरियल फंक्शन क्या होते हैं और मैनेजरियल फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शन आपके आते हैं, ओके। तो देखिए, मैनेजरियल फंक्शन मैंने आपको बताया, वो सारे फंक्शंस जहाँ पे हम मैनेजमेंट के नेचर की बात करें, जहाँ पे जो फंक्शन है वो आपके मैनेजमेंट वाले नेचर के हैं, ओके। तो पहला जो फंक्शन होता है आपका, वो प्लानिंग होता है। सबसे पहले तो आई होप आपको प्लानिंग के बारे में पता होगा, प्लानिंग होता क्या है। प्लानिंग आपका एक मैनेजमेंट फंक्शन है। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो प्लानिंग इसका नंबर वन फंक्शन बोला जाता है, ओके, ये आपका पहला फंक्शन होता है। तो ये फंडामेंटल फंक्शन है आपका पर्सनल मैनेजमेंट में। अब हम कैसे प्लानिंग को पर्सनल मैनेजमेंट के साथ रिलेट कर सकते हैं। देखिए, बीइंग अ पर्सनल मैनेजर, मैंने आपको बताया था रोल ऑफ पर्सनल मैनेजर वाली वीडियो में, कि अगर आप पर्सनल मैनेजमेंट कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या आप पर्सनल मैनेजर हो, तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है, वहाँ पर आपको पॉलिसीज बनानी होती है रिलेटेड टू द पर्सनल मैनेजर, सॉरी, पर्सनल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और रिलेटेड टू द पर्सनल मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों को कैसे हायरिंग करोगे, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। आप कैसे उनका रिक्रूटमेंट करोगे, कैसे उनको सिलेक्शन करोगे, कैसे उनका कंपनसेशन डिफाइन करोगे, कैसे सेपरेशन करोगे, तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग है ना, ये सारा प्लानिंग आपको करना होता है मैनेजरियल फंक्शन में। इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, वेयर, हाउ एंड बाय हूम इट इज़ टू बी डन। तो बेसिकली हम प्लानिंग में करते क्या है, हम प्लानिंग में यही करते हैं कि हम देखते हैं कि क्या हमें करना है, कहाँ हमें करना है, कब करना है और कौन उसको करेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पर्सनल मैनेजमेंट में भी करते हैं। तो पर्सनल मैनेजमेंट में जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग रिलेटेड टू द पर्सनल मैनेजमेंट, दैट विल बी द मैनेजरियल फंक्शन। नेक्स्ट आपका आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को हम क्यों बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का देखिए मैं पढ़ती हूँ ये आपको, आप ये ध्यान से सुनिएगा। इट इज़ यूज टू सेंस ऑफ एन एंटरप्राइज और अ बिजनेस यूनिट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट इज़ रिफर टू द सोशल सिस्टम, इनकंपासेस ऑल फॉर्मल रिलेशंस एंड येट अनदर यूजफुल वे ऑफ लुकिंग एट ऑर्गेनाइजेशन इज टू कंसिडर इट एज एन इसेंशियल फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता है, ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन क्या होता है, जब हम चीज़ों को क्लब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, मतलब मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ठीक है, वहाँ पर मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए। अब मैं डिपार्टमेंट्स को कैसे बना रही हूँ, मैं कैसे डिपार्टमेंट्स को डिफाइन कर रही हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटीज, ओके। तो क्लबिंग ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन, ओके। आइदर वी आर जस्ट क्लबिंग द एक्टिविटीज और वी आर क्लबिंग द पर्सन्स और वी आर क्लबिंग द एंटायर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एवरीथिंग विल कम अंडर द ऑर्गेनाइजिंग। सो दैट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विल बी रिलेटेड विद द मैनेजमेंट फंक्शन और विल बी रिलेटेड विद द मैनेजीरियल ओरिएंटेशन फंक्शन विच हैज़ अ ओरिएंटेशन इन मैनेजमेंट आस्पेक्ट, ओके। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। सो दैट विल बी द ऑर्गेनाइजेशन।
After that we have directing function. Now what is the meaning of directing? Directing का मतलब क्या होता है? Directing का मतलब होता है जब आप किसी को guide करते हो, किसी को direct करते हो towards achievement of something. ठीक है, एक person है आपके organization में, एक employee है, उसको आपको guide करना है, उसको आपको direct करना है so that he will be able to achieve the goal of the organization. Either it is an individual goal or it is just an organization goal. So in both cases you have to direct the person so that that person will be able to achieve that goal. तो ये आपका हो गया डायरेक्टिंग. इट इज़ अ मैनेजेरियल फंक्शन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड डायरेक्टली विद गाइडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड सुपरवाइजिंग द सबॉर्डिनेट्स इन देयर जॉब्स. इट इज़ दस परफॉर्मेंस ओरिएंटेड. डायरेक्टिंग को हम क्यों परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बोल रहे हैं यहाँ पे? देखिए, हमने क्या किया है, हमने उनके बिहेवियर को गाइड किया है, डायरेक्ट किया है ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाएँ, अपना गोल अचीव कर पाएँ. और गोल को कैसे वो अचीव करेंगे? जब उनको परफॉर्मेंस वो परफॉर्म करेंगे. ओके, राइट. देन वी हैव अनदर फंक्शन, अनदर मैनेजरियल फंक्शन, दैट इज कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स द मेजरमेंट एंड करेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटी ऑफ सबॉर्डिनेट्स इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट इंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स डिविस्ड टू अटेन देम आर अकम्प्लिश्ड. सो वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? वॉट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग? अब कंट्रोलिंग में देखिए आप क्या करते हैं, आपने प्लानिंग में ऑलरेडी प्लान्स को सेटअप कर दिया है कि आपको क्या प्लान्स अचीव करने हैं. आपने डायरेक्ट कर दिया लोगों को, आपका गोल अचीवमेंट हो गया. अब आपने जो प्लान्स सेटअप किए थे, आपने जो बेंच मार्क सेटअप किए थे और जो लोगों ने अचीव किया, उसके बीच में कुछ डेविएशन होगा, कुछ गैप्स होंगे. उन गैप्स को फुलफिल करते हैं हम कंट्रोलिंग में. हम कंट्रोलिंग में कोशिश करते हैं कि हम इन गैप्स को मिनिमाइज करें. Either we are minimizing it or we are just bridging the gap. Okay, these both situations are possible in controlling. तो controlling में आपका again controlling में personnel manager क्या करता है? Personnel manager कोशिश करता है, ये analyze करता है कि planning में उसने क्या गलतियाँ की थी या planning को कैसे वो effective बना सकता है, किस तरीके से वो properly implement कर सकता है और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी techniques use करके उसको controlling करनी है टू द बिहेवियर ऑफ द पर्सन. जो पर्सन वहाँ पे बिहेव कर रहे हैं या जो उनकी फंक्शनिंग्स है, उन सबको उनको कैसे कंट्रोल करना है ताकि जो बेंच मार्क है वो अचीव कर पाए. तो अगेन ये भी आपका एक मैनेजरियल फंक्शन ही होता है, क्योंकि बींग अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, आप किसी चीज़ को मैनेज कर रहे हो, आप किसी का मैनेजमेंट कर रहे हो, तो कंट्रोलिंग भी आप एक तरह से कह सकते हो कि मैनेजरियल फंक्शन है. नेक्स्ट आपके आते हैं ऑपरेटिव फंक्शन. अब ऑपरेटिव फंक्शन क्या होते हैं? ऑपरेटिव फंक्शन होते हैं जो आपके डे टू डे फंक्शन होते हैं, ठीक है, रूटीन नेचर के होते हैं, फंक्शनल नेचर के होते हैं, या आप कह सकते हो कि ऑपरेटिंग नेचर के होते हैं. ओके, हम इनको ऑपरेटिंग बोल सकते हो, ऑपरेशनल बोल सकते हैं, रूटीन बोल सकते हैं, फंक्शनल बोल सकते हैं, राइट. उसके बाद पहला जो फंक्शन आता है वो आता है प्रोक्योरमेंट. अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि खरीदना, कोई चीज़ को एक्वायर करना या कोई चीज़ को बिजनेस में लाना, राइट. अब आप सोच रहे होंगे कि पर्सनल मैनेजमेंट क्या प्रोक्योर करता है? ऑफ कोर्स पर्सनल मैनेजमेंट प्रोक्योर करता है, वो मैन पावर प्रोक्योर करता है, राइट. तो जो लोगों को ला रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, जो प्रोक्योरमेंट हो रही है, वो आपकी डे टू डे फंक्शन होगी एक मैनेजर के लिए. हो सकता है कि आप ये नहीं कह सकते हो कि आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे ही प्रोक्योरमेंट करना है. कोई भी मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के गया, तो आपको तुरंत प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी. तो इसलिए हम बोलते हैं कि प्रोक्योरमेंट क्या है? एक ऑपरेटिव फंक्शन है. इट इज़ कंसर्न विद ऑब्टेनिंग ऑफ अ प्रॉपर काइंड एंड नंबर ऑफ पर्सनल नेसेसरी टू अकम्प्लिश नेसेसरी ऑर्गेनाइजेशनल गोल. तो यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें प्रॉपर लेने हैं, लोगों को लाना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, एंड नंबर्स ऑफ पर्सनल जो है वो भी नेसेसरी जो होंगे वही, उन्हीं को हमें यहाँ पर लाना है, राइट. तो ये आपका हो गया प्रोक्योरमेंट. देन आपका आता है डेवलपमेंट. डेवलपमेंट को भी बोलते हैं हम कि ये ऑपरेशनल फंक्शन है, क्योंकि डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट आप किसी एक पर्टिकुलर डे नहीं करने वाले हो. आप उनको जो स्किल दे रहे हो, आप जो उनकी स्किल को इंक्रीज कर रहे हो या आप जो ट्रेनिंग दे रहे हो, कि कभी भी हो सकती है और ये डे टू डे बेसिस पे होती है. मान लीजिए कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय को हायर किया है और उसको आप चाहते हो कि लॉन्ग रन में ये आगे चल के एक मैनेजमेंट की सिचुएशन, मतलब मैनेजमेंट का पोस्ट संभाले आगे जाकर, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? एक आप उसका सक्सेशन प्लानिंग कर रहे हो, राइट. आप उसका एक करियर पाथ डिफाइन कर रहे हो. तो ऐसे में आपको डिफरेंट टाइप से उसको डेवलप करना होता है, राइट. उसके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स अगर लैक कर रही हैं तो आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा. अगर उसकी पर्सनैलिटी लैक कर रही है तो आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा. बींग अ मैनेजर, बींग अ एचआर मैनेजर और पर्सनल मैनेजर. सो दिस इज वॉट दिस इज अ ऑपरेशनल फंक्शन. दिस इज एन ऑपरेशनल फंक्शन इन विच यू हैव टू डेवलप द एम्प्लॉय फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस इन द फ्यूचर, राइट.
सो आफ्टर द पर्सनल हैज़ बीन ऑब्टेन्ड, एक बार पर्सनल को अपने ऑर्गेनाइजेशन में ले आया, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है, इट इज़ नेसेसरी टू डेवलप दैम. डेवलपमेंट इम्प्लाइज द इंक्रीज ऑफ स्किल थ्रू ट्रेनिंग दैट इज़ नेसेसरी फॉर अ प्रॉपर जॉब परफॉर्मेंस. तो आपको स्किल जो आप उनके अंदर इम्पार्ट कर रहे हो, जो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, जो कि आपकी प्रॉपर जॉब परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, तो उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट, राइट. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंपनसेशन. कंपनसेशन क्या होता है? देखिए कंपनसेशन क्या है, कंपनसेशन आपका रेन्यूमरेशन है. रेन्यूमरेशन भी जो होता है वो भी आपको डे टू डे बेसिस पे देखना पड़ता है. मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स हैं, राइट. आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे वर्कर्स हैं जिनको डे टू डे बेसिस पे करना पड़ता है, या जो आपकी मान लीजिए एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी जो पेरोल होता है वो भी आपको डे टू डे मैनेज करना पड़ता है, राइट. कोई एबसेंट हुआ, कोई ओवर टाइम कर रहा है, ओके, कोई अलग किसी को और डिफरेंट टाइप के बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि मतलब आप कह सकते हो इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं. तो इन सब को कैलकुलेट करना, इन सब को एक प्रॉपर एक मेथड में करना, सो दैट दे विल बी एबल टू गेट देयर सैलरी ऑन टाइम. दैट इज़ द फंक्शन ऑफ अ पर्सनल मैनेजर. ही हैज़ टू एंश्योर दैट. ओके, सो दिस फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज एडुकेट एंड इक्विटेबल रिन्यूमरेशन ऑफ पर्सनल फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन objectives. In developed countries, compensation cannot be described as a great motivating force as strong as in the less developed countries. So, इन्होंने बताया कि किस तरीके से डेवलप कंट्रीज़ में सिर्फ कंपनसेशन ज़रूरी नहीं होता है, बट ये मॉडरेटिंग फोर्स के तहत वर्क नहीं करता, बट जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, आप कह लीजिए डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एज अ आप कह सकते हो मॉडरेटिंग फोर्स ये वर्क करता है. तो यहाँ पे जो पर्सनल मैनेजर है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो एडुकेट कंपनसेशन और इक्विटेबल रिन्यूमरेशन सबको प्रोवाइड करें, राइट. उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट इंटीग्रेशन. ना इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? इंटीग्रेशन का मतलब है कि आपको रिकंसिलिएशन करना इंडिविजुअल के और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बीच में. जैसे मैंने बोला आपको इंडिविजुअल का कुछ गोल होता है, राइट. उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन का कुछ गोल होता है, तो आपको क्या करना होता है, आपको ये जो बड़ा वाला ऑर्गेनाइजेशन का गोल है इसके साथ ही कहीं पर इंडिविजुअल गोल्स को सेट करना होता है, ताकि जो भी पर्सन है ए बी सी वो जब अपने इंडिविजुअल गोल को अटेन करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन गोल में भी कंट्रीब्यूट करें. तो ये जो इंटीग्रेशन होता है, ये सारी चीज़ें और सारी ही एक्टिविटीज़ का इंटीग्रेशन किसको इंश्योर करना होता है? पर्सनल मैनेजर को इंश्योर करना होता है. उनको गोल सेटअप करना होता है और उनको एक तरीके से गोल ऐसे सेटअप करने होते हैं जो कि मोटिवेटिंग हो, जो कि परफॉर्मेंस के साथ साथ हो, रिवॉर्डिंग हो, राइट. Okay, it can be defined as an attempt to effect a reasonable reconciliation of individual and organizational interest. Integration must follow the above three functions of procurement, development and compensation. उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि ये जो integration function है ये आपका procurement, development and compensation के साथ साथ ही चले और उन सबको follow करें. मतलब आपकी जो policies होंगी integration की वो इन सबके against नहीं होनी चाहिए, आपको ये भी ensure करना है. जो last function है आपका operational function, आपके पर्सनल मैनेजमेंट का, वो है आपका मेंटेनेंस. मेंटेनेंस का मतलब होता है सस्टेन करना, इम्प्रूव करना कंडीशंस आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी. तो जैसे मान लीजिए आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को प्रोक्योर कर दिया, राइट. उसके बाद आप कैसे उनको मेंटेन करने वाले हो, कैसे आप उनको मोटिवेट करने वाले हो, कैसे आप उनके परफॉर्मेंस को अप्रेज करने वाले हो, किस तरीके से आप उनको ट्रेनिंग देने वाले हो, डेवलपमेंट करने वाले हो, ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ है. मतलब एट द टाइम ऑफ सेपरेशन, टिल द टाइम ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोक्योरमेंट, यू हैव टू मेंटेन योर रिसोर्सेज एंड दैट इज़ द फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट विच ही और शी हैज़ टू डू ऑन अ डेली बेसिस. सो दिस इज समथिंग विच वी कैन से दैट इट इज़ अ ऑपरेटिंग फंक्शन और इट इज़ अ फंक्शनल फंक्शन, राइट. हाउएवर इट मस्ट बी पॉइंटेड आउट दैट इट वुड बी नेसेसरी टू टेक इन केयर ऑफ फिजिकल वेलबींग एंड मेंटल वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉयज. यहाँ पे आपको फिजिकल वेलबींग भी देखनी है उनकी और एज वेल एज मेंटल वेलबींग भी देखनी है एम्प्लॉयज़ की. तो ये आपका हो गया मेंटेनेंस फंक्शन. आई होप आपको फंक्शंस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एक पर्सनल मैनेजर डिफरेंट टाइप के फंक्शंस अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्ले करता है. तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर आवर चैनल एंड सब्सक्राइब एज वेल. थैंक यू सो मच. कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग.